हेलो फ्रेंड्स, ये पटना जंक्शन है और ये पटना जंक्शन की पहचान महावीर मंदिर है, महावीर हनुमान मंदिर है। ये पटना की पहचान है और यहीं से हमारी यात्रा शुरू हुई है, जर्नी शुरू हुई है हमारी। पटना से ट्रेन से बनारस गए हम लोग और फिर उसके बाद गाड़ी से विंध्याचल गए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये समय आपको क्यों बता रही हूँ, तो जैसा कि टॉपिक से पता चल ही गया होगा कि ये मेरे भतीजे का मुंडन है जो कि विंध्याचल से हुआ था। वैसे तो हमारे यहाँ मुंडन में बहुत बड़ा फंक्शन होता है, जैसा कि शादी विवाह में होता है, लेकिन इसका मुहूर्त दशहरा के दिन भी मिला था, इसलिए विंध्याचल की प्लानिंग हुई। बाद में फंक्शन हो गया जिसमें सारे रिश्तेदार थे शामिल हो गए। अब ये देखिए, हम लोग विंध्याचल पहुँच चुके हैं। कितना सुंदर है ना, यहाँ अष्टभुजी माँ के पास आश्रम है जिसमें हम लोग रुकने वाले हैं। तो ये आश्रम है और पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, ऊपर से देखने में नीचे इतना सुंदर लगता है, मतलब यहाँ एक बार चले जाने के बाद यहाँ से आने का मन नहीं करता है। आप देख रहे हैं नीचे गंगा नदी बह रही हैं और ये आश्रम है। थोड़ा सा व्यू आपको दे देती हूँ। ये देखिए छोटी छोटी गैया, गैया के बच्चे, और ये है कृष्णा और ये वाइट वाली मोनी और एक और उधर है कुटकुट वाला दे और अब हम लोग मंदिर जा रहे हैं। मंदिर में ही मुंडन होना है तो मंदिर के रास्ते पे ये विंध्याचल की गलियां हैं, पतली पतली सी, दोनों तरफ पूजा के सामान की दुकानें हैं। कितना सुंदर लगता है यहाँ आने के बाद। ये हम लोग एक दुकान में रुक गए हैं, प्रसाद ले रहे हैं और प्रसाद लेने के बाद फिर यहाँ से मंदिर जाएंगे हम लोग। वो अपने आँचे
जाता है, उस तरह फिर जनेऊ में लगता है। तो मुंडन के बाद फिर हम लोग गंगा घाट गए थे, वहाँ भी मुंडन तो वहाँ हो गया, अब यहाँ पे पूजा होगी, गंगा जी की पूजा होगी और फिर माँ और बच्चे दोनों नहाएंगे गंगा जी में, फिर उसके बाद पूजा होगी। गीली साड़ी में ही पूजा होती है। ये देखिए, ये बच्चे को नहलाया जा रहा है, इसमें भी बहुत रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। वो नहाने के बाद फिर अब नया कपड़ा पहनाया जाएगा इनका, नए कपड़े, माँ और बच्चे दोनों नए कपड़े पहनते हैं। माँ तो गीली साड़ी में ही पूजा कर लेते हैं, पूजा के बाद उनका कपड़ा चेंज होता है माँ का, बच्चे को फिर नया पहनाया जाता है और फिर बाबू चीज क्या चीज। इसके बाद मुंडन हमारे यहाँ का पहला संस्कार है, जो चार संस्कार होते हैं, तो पहला तो मुंडन हो गया, फिर उसके बाद जनेऊ होता है। जनेऊ में भी बहुत बड़ा फंक्शन होता है, जो बिहार के होंगे उनको पता होगा। और ये देखिए गंगा जी की पूजा हो रही है, इसे पीठा चढ़ाना कहते हैं, आटे का है, आटे की लोई बनाकर पूजा होती है। और फिर इन लोइयों को, आटे की लोइयों को फिर गंगा जी में विसर्जित कर दिया जाता है। इसका कंसेप्ट मतलब यही है कि अगर हम खा रहे हैं तो हमारे साथ साथ पानी जीव भी, मछलियां हैं या फिर पानी के अंदर जितने भी हैं वो सब भी, उनको भी भोजन मिलता रहे, बस यही कंसेप्ट होगा मेरे ख्याल से। ये है, पूजा हो चुकी है, अब आरती हो रही है। सब मिलके आरती कर रहे हैं और आरती के बाद फिर अब ये गोद भरना, नहीं खोइछा भरना, खोइछा भरना बोलते हैं इसको। ये पांच औरतों का, पांच औरतें यहाँ पे, हम बस हम लोग संजोग था या जो भी कह लीजिए, पांच ही थे हम लोग, नहीं तो जितने भी जितनी सुहागन स्त्रियाँ आती हैं सब में गोद खोइछा भरा जाता है, जिसमें चना और फल और गुड़, मिठाई नहीं गुड़ रहता है, चना। अभी तो 50 साल की हो गई हैं बुआ। तो पांचों बारी बारी से मेरी माँ हैं जो हम लोग को खोइछा दे रही हैं, और सबसे लास्ट में ये भाभी फिर मेरी माँ का खोइछा पड़ रही हैं। ये घाट पे ही होता है। और ये बच्चे की माँ, माँ और पापा दोनों वही आटे की लोइयों को गंगा जी में विसर्जित कर रहे हैं। अब हो गई पूजा यहाँ की संपन्न हो गई। अब उसके बाद चूँकि दशहरा के दिन था और उसी दिन मुंडन का था, तो उसी दिन हम लोग कन्या पूजन भी किए थे विंध्याचल में ही। तो ऐसे जनरली तो हम लोग 9 कन्याएं खिलाते हैं, लेकिन ऐसे यहाँ पे मतलब अनलिमिटेड, ये तो एक बार का है, एक बार जो पंगत बैठी थी उसका है, तो अनलिमिटेड लोग आते हुए एक भंडारा जो होता है, भंडारा टाइप हुआ था, उसी में ये कन्या भोज हो रहा है। पूरी फैमिली हम लोग की थी, हाथों हाथ सब हो गया, तब हम लोग दोनों भाभियाँ, दोनों भाई, भतीजा, भतीजी, मम्मी पापा, मेरा बेटा, मेरा हस्बैंड, सब मतलब पूरी फैमिली हम लोग की जितनी भी है सब हम लोग पहुँचे हुए थे वहीं पे। और मतलब लग नहीं रहा था कि घर से इतने दूर आए हैं, इतना अच्छा लग रहा था ना, क्या बताएं, थकान तो बिल्कुल भी नहीं होती, इतना पहाड़ी के ऊपर चढ़ना। और मतलब अब तो गाड़ी की सुविधा हो गई है, गाड़ी से पहाड़ी पे चले जाते हैं, लेकिन फिर भी नीचे उतरना या फिर पहाड़ तो पहाड़ है, दो कदम भी चलना है तो है ही, लेकिन थकान बिल्कुल भी नहीं होती वहाँ। कन्याएं बैठी हुई और इनकी पूजन हो रही है, आलता लग गया है, टीका लग गया है और आरती उतारी गई है। अब ये भोग ग्रहण कर रही है और
चाहिए पूरी, चाहिए पूरी। तीन को और कन्या बाड़ी। भैरव जी लोग बैठे हुए हैं यहाँ, तो मतलब पटना में भी मैं खिलाती हूँ, कन्या पूजन करती हूँ यहाँ भी, तो यहाँ तो 9 कन्याएं बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, और भैरव तो मतलब मिल जाते हैं, ढूंढने पे तो एक तो मिल ही जाते हैं, लेकिन यहाँ तो मतलब जैसे। और ये देखिए, ये 3 कन्याएं और हैं जिनसे मैं पहले मिलवा चुकी हूँ, राधा, कृष्णा और मोनी। ये 3 कन्याएं, इनका भी पूजन हुआ था, ये मैं कर रही हूँ। और ये देखिए, इतनी प्यारी थी ना, मतलब बात समझती हैं बिल्कुल, जैसे आप बोलो कि मोनी इधर आओ तो वो आ जाएंगी, मोनी को भूख लगी है बोलेगी नहीं, सर हिला देगी नहीं, या फिर खाना है केला खाना है तो सर हिलाएगी हाँ। अरे उधर भी है गाय, इधर इधर। बड़ी खुश हो गई है तीनों अपनी पूजा करवा के। और ये देखिए, ये इनके सेवक हैं, यही इन लोगों की इनकी देखभाल करते हैं, इन तीनों की देखभाल की जिम्मेदारी इन्हीं की है। ठीक है ठीक। और अब ये देखिए, इनको मुंडन के बाद की खुशी, मुंडन में तो कितना रो रहे थे, और अभी देखिए, अभी देख के लग नहीं रहे हैं कि यही बच्चे हैं जो उस समय इतना रो रहे थे, मतलब इनकी खुशी, इतना फ्रीडम मिला था और खेलने को जगह इतनी मिली थी, मतलब ये तो और किसी की सुन ही नहीं रहे थे, बस अपने आप में ही ये दोनों भाई बहन मस्त रहे थे। और यहाँ तो मम्मा मम्मा किए रहते हैं, या फिर कोई चाहिए इन लोगों को, वहाँ तो मतलब कोई नहीं चाहिए, बस आपस में दोनों मिलके। ये देखिए खुशी इनकी, और उनका वो गोरे गोरे मुखरे पे काला काला चश्मा, उस पर चश्मा नहीं मिला तो इनका हेयर बैंड ही चश्मा बन गया। तो यही था, और यहाँ से फिर विंध्याचल वापसी। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब। उनका मुंडन पहले हो चुका है, कैसा लगा? हमारे यहाँ का ये बिहार का ट्रेडिशन है, पहला संस्कार है हमारे यहाँ का, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय।